आज है पीएम मोदी के सुझाए गए जनता कर्फ्यू का दिन। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों को घर में रहने की है सलाह। शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए कामकाजी वर्ग को सराहने की भी पीएम मोदी ने कही थी बात। 14 घंटों तक दिन भर के लिए सुरक्षित क्वारंटाइन में रहने की कही गई है बात। भारत में 310 से ज्यादा हुए कोरोना के मामले। ओडिशा में भी सीएम नवीन पटनायक के आदेश पर 5 जिलों और 8 प्रमुख शहरों को किया गया लॉकडाउन। नोएडा के भी केप टाउन सोसाइटी के सामने आया एक पॉजिटिव केस। अन्य राज्यों में आंशिक लॉकडाउन को लेकर उठाए जा रहे हैं कदम। आज भारतीय रेल की 3,700 ट्रेनें और विमान कंपनियों की तकरीबन 1,000 उड़ानें रद्द। जनता कर्फ्यू को देखते हुए IRCTC और विमान कंपनियों का ऐलान। आज से देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लैंडिंग पर रोक। 1 हफ्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों पर लगा प्रतिबंध। टूरिस्ट वीजा को भी 15 अप्रैल तक किया गया बैन। आज जनता कर्फ्यू के दौरान पूरे दिन बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में चलेंगी केवल 50% DTC और क्लस्टर बसें। बसों के शेड्यूल में हो सकता है बदलाव। ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने किया ऐलान, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक। एक जगह पर 5 लोगों के जुटने पर लगाई रोक। 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का भी दिल्ली सरकार ने किया है ऐलान। दिल्ली के CM केजरीवाल का बयान, कहा हर कदम उठाने के लिए है तैयार। दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने किया बाजार बंद रखने का फैसला। दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन ने भी बंद का लिया है फैसला। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों में बढ़ रही है दहशत। आज जनता कर्फ्यू पर थमेंगे मुंबई मेट्रो के भी पहिए। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाए गए हैं कोरोना के मामले। राज्य में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को किया गया है बंद। जरूरी यात्राओं को टालने की है अपील। जनता कर्फ्यू को लेकर गरमाई बिहार की सियासत। आज RJD करेगी जनता कर्फ्यू का विरोध। विधायक भोला यादव ने जनता कर्फ्यू को बताया अघोषित आपातकाल। RJD का आरोप, कोरोना को रोकने में सरकार हो चुकी है फेल। कहा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल। आज जनता कर्फ्यू के दिन भी जारी रहेंगी RSS की शाखाएं। सुबह 6:30 से पहले और रात 9:30 के बाद लगाई जाएंगी शाखाएं। संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 31 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन। दिल्ली की करकटडूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दिल्ली हिंसा से संबंधित एक मामले में भेजा है हिरासत में। ताहिर हुसैन को निलंबित कर चुकी है आप।